हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ तरबूज की एक बहुत ही टेस्टी और यूनिक वाली रेसिपी, तरबूज का जूस। तरबूज का जूस आपने कई बार बनाया होगा, कई तरीके से बनाया होगा। कभी कभी तरबूज हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, वाइट वाइट से निकल आते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता, मीठे भी नहीं लगते हैं, उसका क्या करें, कोई से खाना नहीं चाहता। इस तरीके से आप उसका जूस बनाकर पीजिए, बहुत ही मज़ेदार और यमी लगता है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है, और बिल्कुल 5 मिनट में बन के ये रेडी हो जाएगा। नहीं पसंद करने वाले भी इसे पसंद से पियेंगे, और बहुत ही रिफ्रेशिंग है इन गर्मियों में। तरबूज हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप उसका जूस निकाल के, मिक्सी से मैंने निकाल के इसे तैयार किया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार हमारा ये जूस बनके रेडी होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम इसे बनाना शुरू करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है आधा तरबूज। तरबूज को हम और आधे टुकड़ों में काट लेते हैं। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, बनकर तैयार होता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग रहेगा और झटपट 2 मिनट में बनके रेडी हो जाता है। कभी कभी कोई तरबूज बहुत ज़्यादा रेड नहीं होता, तो इस तरीके से आप उसको बना के उसका शरबत पिए तो आपको ये तरबूज फिर वेस्ट नहीं होगा, और आप इसका शरबत बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके पल्प को हम निकाल लेते हैं, इसको 2 भागों में बांट के मैं इसके पल्प को निकाल लूँगी। बहुत ही झटपट बन के ये रेडी हो जाता है। जो भी इसका पल्प है आप देख सकते हैं बहुत रेड हमारा तरबूज नहीं है। तो कभी कभी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, हमें लगता है कि हमारा तरबूज रेड है, बट वो रेड नहीं होता। तो आप इस तरीके से उसे बनाकर उसका शरबत यूज़ कर सकते हैं, सबको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि जो तरबूज रेड नहीं होती वो फिर कोई खाना नहीं चाहता। तो इस तरीके से आप उसका बना सकते हैं शरबत। तरबूज को मैंने निकाल लिया है, आप देख सकते हैं कुछ नीचे के पार्ट बिल्कुल वाइट वाइट से है, तो कोई इसे खाना नहीं चाहता। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कुछ बीच वाले पार्ट इसके रेड भी होते हैं, तो थोड़े रेड वाले पार्ट को मैं निकाल देती हूँ। थोड़े ऊपर से मैंने रेड वाले पार्ट इसके निकाल लिए, बाकी के छोटे 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 टुकड़े करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। जो बड़े बड़े काले बीज हैं इसे हम निकाल लेते हैं, और छोटे वाले बीज रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तरबूज हमारा ज़्यादा है तो एक बार में ग्राइंड नहीं होगा, तो मैं इसे छोटे टुकड़े करके पहले काले वाले जो इसके बड़े बड़े बीज हैं थोड़े मैं निकाल लेती हूँ। ऐसे हमें इसे छानना ही है, आप चाहो तो साथ में भी ग्राइंड कर सकते हो, बट इसे निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर निकालने में आपको परेशानी हो रही है तो आप इस तरीके से भी इसको ग्राइंड कर सकते हो। तो चलिए इसे आधा आधा करके मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तरबूज मैंने आधे निकाल लिए हैं, आधे इसी में रहने दिए हैं। इसको पीसने के बाद फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगा, क्योंकि एक साथ इतने तरबूज नहीं आएंगे। ये तरबूज बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं। अगर रेड तरबूज का बना रहे हैं तब तो हमें चीनी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये तरबूज बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, तो इसमें से हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। बहुत ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं है, और चीनी के साथ हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। पहले सारे तरबूज को मैंने पीस लिया है, बिना जूसर के ही हम यहाँ जूस बना रहे हैं, और इसे मैंने कपड़े से छान लिया है। इसे छान लिया है बिल्कुल स्मूथ, और ये बढ़िया जूस हमारा निकल के तैयार हो गया है। अब हम करेंगे इसकी गार्निशिंग की तैयारी। तो मैंने जो तरबूज लिया था इसे मैं छोटे टुकड़ों में कट करती हूँ। यह मैंने एक प्लेट, और जो भी रेड पार्ट है इसका बीज निकाल देंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ, और हम आपस में तरीके से जुड़े रहें। इस तरीके से इसके छोटे छोटे टुकड़े हमें कट कर लेने हैं। बहुत ही टेस्टी आपको ये जूस बनके तैयार हो जाएगा, और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है।
आप बना के जरूर ट्राई करना, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब लिए हैं मैंने थोड़े से ग्रेप्स। आप आपके बिल्कुल आपके चॉइस पर है किस तरह से गार्निशिंग करना चाहते हो। इसे मैं हाफ हाफ कट कर लेती हूँ इस तरीके से। इस तरीके से आधा आधा मैं इसे कट कर लेती हूँ। आपको जिस ग्लास में इसको सर्व करना है उस ग्लास में हम इसे पोर करते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। गर्मियों में बिल्कुल राहत देने वाला इसका टेस्ट लगता है, बहुत ही मज़ेदार। आप इस तरीके से बना कर रेडी कर सकते हो। डाल देते हैं हम इसमें थोड़े से ये जो मैंने तरबूज के टुकड़े किए हैं, ये क्रंच के लिए बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। पूरे डाल देते हैं हम इसमें अंगूर के टुकड़े जो मैंने काट के रेडी किए हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट लगता है। डाल देते हैं इसमें अपने आइस क्यूब जो इसकी ठंडक को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। बिल्कुल हमारे ये तरबूज के जूस बनकर रेडी है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग, सर्दियों गर्मियों में आपको राहत पहुंचाने वाला। देख सकते हैं जूस हमारा बिल्कुल रेडी है बनके, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है लगता है। तो दोस्तों आप इसे बनाकर ज़रूर से ट्राई करना, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।